हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टी बैगर वर्ल्ड। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको इंट्राडे कॉल्स दिया करता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको इंट्राडे कॉल्स देने वाला हूँ हमारे नए मंथ नवंबर के लिए। तो यहाँ पर 2 नवंबर के दिन मार्केट मंडे मार्केट ओपन होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो फ्राइडे मार्केट रहा था हमारा, उसमें जो मोमेंट था बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहा था, क्योंकि प्राइजेस ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ गए, फिर नीचे की तरफ गए, फिर रिकवरी कर कर जो उसने ओपनिंग प्राइस था उसी के आसपास क्लोजिंग दी है। मार्केट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो चुका था फ्राइडे मार्केट में। तो वहाँ पर मेरा रिकॉर्ड पूरे मंथ का बेकार हुआ था, क्योंकि वहाँ पर 2 टारगेट अचीव हुए थे, 2 स्टॉप लॉस आ गए थे। जो 2 स्टॉप लॉस रहे थे उसमें मुझे लग रहा था कि रिकवरी आ सकती है, लेकिन वहाँ पर रिकवरी आने की वजह एकदम से नीचे की तरफ गिरावट आई और वापस ऊपर की तरफ आ गए SL टच करने के बाद। और बाकी 2 में हमारे टारगेट अचीव बहुत ही बढ़िया हुए थे, टारगेट भी थोड़े से बड़े थे, तो वहाँ पर भी हमारे टारगेट अचीव हुए थे, प्रॉफिट और लॉस बराबर ही रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा रिकॉर्ड है वो थोड़ा बहुत संभला भी रहा है, क्योंकि पूरे मंथ में जो भी हमने स्टॉक्स दिए हैं ज़्यादातर में हमारे टारगेट ही अचीव होते हुए चले हैं। तो ग्राफ हमारा काफ़ी अच्छा सुधरा हुआ है, करीब यहाँ पर एक्यूरेसी जो है वो 85 से 90% के आसपास ही बनी हुई है। तो आप भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मल्टी बैगर वर्ल्ड टेलीग्राम पर जाकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे कॉल्स मैं यहाँ पर देने वाला हूँ ये है हमारे 2 नवंबर के लिए। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से लोगों में शेयर करें। और मैं आपको फिर से बता दूं कि आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा कॉल है इसको हम देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बना हुआ था, ज़्यादातर ग्राफ्स के अंदर कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है कि बाय जाएगा या सेल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया कि मार्केट वॉलेटाइल रहा है। जो ओपनिंग प्राइस था उसके ऊपर वो गया, उसके नीचे वो गया और क्लोजिंग उसने ओपनिंग प्राइस के ही पास दी है। तो ज़्यादातर ग्राफ कुछ भी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि बाय जाएगा या सेल जाएगा, बट जो भी स्टॉक्स यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं बहुत ही मुश्किल से मुझे लग रहा है कि इसमें जो पोजीशन है वो बाय की तरफ ही जाने वाली है। और मैं आपको बता दूँ कि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में मुझे नहीं लगता है कि 12,100 से वो ऊपर क्रॉस कर पाएगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है ग्राफ देख कर। तो यहाँ पर आप संभल कर रहिएगा कि यहाँ पर जो भी आपको टेलीविज़न पर दिखाई देता है कि कुछ भी कहा जा रहा है कि दिवाली तक 12,500 के ऊपर चला जाएगा या 1,500 चला जाएगा या 15,000 चला जाएगा, तो इन सब बातों में ना आइएगा, क्योंकि जो अभी चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ आपको कि 12,100 के ऊपर वो जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है उसके लिए। दिवाली के दिन तक भी वो ऊपर जाए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। बट फिर भी अगर कोई न्यूज़ आ जाती हैं या कोई भी आ जाता है बीच में जिसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट आ सकता है तो हो सकता है, बट यहाँ ग्राफ के मुताबिक तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टॉक है हमारा BPCL का। तो BPCL में ऑयल या गैस स्टॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी रही थी फ्राइडे मार्केट में, तो हो सकता है कि मंडे मार्केट में भी थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई दे, तेज़ी आने के बाद गिरावट आए तो मालूम नहीं, बट हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो जाना चाहिए। और सबसे पहला कॉल हम यहाँ पर BPCL का लेते हैं। तो BPCL में मैंने होल्डिंग के लिए भी दिया हुआ है कि 500 के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए हैं और यहाँ पर जो 50% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट निकल कर आया है रिफाइनरीज के थ्रू, क्योंकि ऑयल के जो दाम हैं कच्चे ऑयल के वो बहुत ज़्यादा गिर गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट इनको नज़र आया। तो यहाँ पर हम इसको बाय करने चलेंगे, 356.75 से हमारा टारगेट रहेगा, 360.30 का स्टॉप लॉस हमारा रहेगा, 353.20 का। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें हमेशा। और यहाँ पर जो हमारा सेकंड कॉल है ये हमारा ZEAL का। तो ZEAL में हमने इंटरडे कॉल भी लिया था, बट यहाँ पर मुझे थोड़े बहुत डाउट्स आने की वजह से यहाँ पर मैंने उसको कैंसिल करवा दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने एक स्टॉक मिस कर दिया, बट टारगेट इसमें फिर भी हमारा अचीव हो गया था। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो बाय का कॉल है 189.70 से हम इसको बाय करेंगे, हमारा टारगेट रहेगा 191.60 का, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 187.80 का। आप चाहो तो उसका टारगेट थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, 92 तक भी रख सकते हो, 1% का टारगेट 1% का स्टॉप लॉस सभी जगह एक सा है, इन्वेस्टमेंट एक से ही रहेंगे तो प्रॉफिट आपका सेम ही निकल कर आएगा, चाहे प्राइस कम हो स्टॉक का या ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टमेंट पर ही फ़र्क पड़ता है क्योंकि टारगेट सेम ही है सभी में। और यहाँ पर हमारा जो लास्ट और थर्ड कॉल है ये हमारा TVS मोटर का। तो यहाँ पर देखेंगे तो 8% से ज़्यादा की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली थी हमको, और हो सकता है कि यहाँ पर हमको फिर से ओपनिंग के बाद थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिले। तो यहाँ पर हम इसको बाय करके चलेंगे, 460.20 से हमारा टारगेट रहेगा, 464.80 का स्टॉप लॉस हमारा रहेगा, 455.60 का। तो गाइज यहाँ पर मैं अपने पूरे कॉल्स कंप्लीट कर चुका हूँ और आपसे बता चुका हूँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मल्टी बैगर वर्ल्ड टेलीग्राम पर जाकर। और यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए।